नमस्कार, मैं तापोशी। आज हम मसूर दाल के पकौड़ी बनाएंगे। मसूर दाल के पकौड़ी बनाने के लिए हमने दाल को आधा कप दाल लिए है। इसको हम 2-3 घंटे भिंगो कर रखे थे, पानी को फेंक दिए। और हमने यहाँ प्याज लिए है, एक प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिए। और अदरक है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिए। और मिर्च को भी काट लिए। आधी छोटी चम्मच जीरा है, आधी चम्मच नमक है, आधी चम्मच धनिया पाउडर है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है और 2 पिंच मिर्च पाउडर है। और आधी चम्मच हमने अरारूट लिए है। और तलने के लिए हमने तेल लिए है। तो पकौड़े बनाने के लिए हमने पहले दाल को पीस लेते हैं मिक्सर में। दाल को हमने दरदरा करके पीस लिए हैं। और अब हम इसमें अरारूट और नमक, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च सभी डाल देते हैं। इसको अच्छा से मिला लेते हैं। अब हम इसमें प्याज डालते हैं और अदरक डालेंगे और थोड़ा सा मिर्च डालेंगे। इसको अच्छा से मिलाना है। हमने प्याज दाल सभी को अच्छा से मिला लिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे पकोड़े को। देखिए हमारा तेल गरम हो गया। अब हम इसमें पकोड़े को तलेंगे। गैस का फ्लेम धीमी रखना है। इस तरह से सारे पकौड़े को हमने डाल दिए। एक साइड होने के बाद दूसरा साइड हम पलटेंगे। एक साइड से फ्राई होने के बाद हम इसको पलट देंगे।
सारे पकौड़े को हम थोड़ा सुनहरे होने तक फ्राई करेंगे। देखिए हमारे सारे पकौड़े तैयार है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए हमने इसमें पकौड़ी को तल कर रखे हैं ताकि ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल नीचे निकल जाए। हमारा क्रिस्पी मसूर दाल पकौड़े तैयार है। इस तरह से पकौड़ी को आप भी बनाइए, खाइए और अपना अनुभव तापोसी किचन्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।